फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ अश्मिता सिंह राजपूत एंड वेलकम यू ऑल टू E24, जहां हम आपको बताते हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट खबरें। पद्मश्री से नवाजी जा चुकी, जी हां, हेलन का आज बर्थडे है और आज हम आपको बताने जा रहे हैं हेलन के बारे में, उनकी निजी जिंदगी के बारे में, किस तरीके से उन्होंने अपना सफर यहां तक तय किया। वैसे तो हेलन के डांसिंग और उनके अभिनय के हर कोई दीवाने हैं, तो चलिए सुनते हैं उनके बारे में स्पेशल रिपोर्ट। बॉलीवुड की सबसे पहली और सबसे पॉपुलर कैबरे डांसर हेलन आज अपना 81वां जन्मदिन मनाने वाली हैं। बेहतरीन अदाकारी और विदेशी शक्ल होने के कारण हेलन को अपने करियर में कई तरह के रोल निभाने को मिले हैं। पद्मश्री से नवाजी जा चुकी हेलन के बारे में ये बात तो कम ही लोग जानते हैं कि एक्ट्रेस बनने से पहले एक रिफ्यूजी थी। हेलन का रंगून से लेकर भारत तक का सफर काफी संघर्षों से भरा हुआ है। कई सारी ब्लॉकबस्टर फिल्म का हिस्सा रह चुकी हेलन 21 नवंबर 1938 में रंगून वर्मा में जन्मी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हेलन के पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनके परिवार की दिक्कतें बढ़ गई थी। 1943 में उनका परिवार बॉम्बे आ चुका था। हेलन ने फिल्म फेयर अवार्ड के दौरान अपने परिवार आने के दर्दनाक सफर के बारे में खुलकर बात की थी। हेलन ने बताया, हमने सैकड़ों गाँव और जंगल पार किए हैं, लोगों की दया पर जिंदा थे हम। चंद कपड़ों के अलावा हमारे पास खाना पैसा कुछ नहीं था। हमें कुछ सोल्जर मिले जिन्होंने हमें ट्रांसपोर्ट दिया। उन्होंने हमें रिफ्यूजी समझकर खाना दिया। आगे हेलन ने कहा, जब हम डिब्रूगढ़ असम पहुंचे तो हमारा ग्रुप आधा हो चुका था। कुछ पीछे रह गए, कुछ बीमार थे और कुछ भूख से मर चुके थे। रास्ते में मेरी माँ का गर्भपात हो चुका था। बचे हुए लोगों को डिब्रूगढ़ के अस्पताल में रखा गया। मैं और मेरी माँ आधे हो चुके थे और मेरा भाई गंभीर रूप से बीमार था। हमें 2 महीनों तक अस्पताल में रखा गया, फिर हम ठीक होकर कलकत्ता आ गए। दुर्भाग्य से पॉक्स के कारण मेरे भाई की मृत्यु हो गई। हेलन ने परिवार में पैसों की तंगी के कारण पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। बाद में उन्होंने अपनी फैमिली फ्रेंड की मदद से बतौर डांसर अपने करियर की शुरुआत की। हेलन को उनका पहला ब्रेक 1958 में आई फिल्म हावड़ा ब्रिज के गाने मेरा नाम चिन चिन चू से मिला था, जिसके बाद हेलन पर सबकी नजरें टिक गई। बाद में हेलन ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से बॉलीवुड में एक अलग मुकाम हासिल किया था। तो फ्रेंड्स, आपको हेलन की ये प्यारी सी अनसुनी कहानी हमें कैसी लगी, आप हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। कीप वॉचिंग E24 News 24 एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।